आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को अपने माथे की अपडेट देता हूँ। ये तो ऑलमोस्ट बिल्कुल ठीक हो गया, और जो दांत मेरा टूटा हुआ था वो भी ऑलमोस्ट ठीक हो गया। इस दफ़ा डेंटिस्ट के पास गया था तो उसने अंदर टेम्प्रेरी फिलिंग कर दी, और अगले हफ्ते जब मैं जाऊँगा तो वो मेरी परमानेंट फिलिंग हो के, अगर उस वक्त हुआ नहीं तो अगले हफ्ते क्राउन उसके ऊपर चढ़ जाएगा। और अच्छा, ये तीन लोग जो इधर हैं, ये मतलब लग रहा होगा पिक्चर्स ले रहे हैं, लेकिन ये तीनों कर कुछ भी नहीं रहे कि मैंने इन्हें कहा कि व्लॉग से पहले तुम लोग थोड़ा बिजी लगो। मामा आप आ जाए, आपका टाइम आ गया सवाल जवाब का। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताएं, ये आप इस कमरे में मुझे ये थोड़ा सा साफ साफ क्यों नहीं दिखाने देती है, मतलब चादरें क्यों नहीं उठाने देती ऊपर से? इसलिए तुमने तो दो तीन दिन में ये करना होता है। तो क्या मतलब ये चादरें उठा, तो चादरें उठा लो तो बस होता है, और अगर बना के तुम वापस डाल दो तो फिर तुम मुझे कोई इतराज नहीं। नहीं, वो काम मुझे इतना ज्यादा काम नहीं हो सकता। अच्छा, सीन ये है कि सनम भी आई हुई है, मामा की भी अपनी बहन आई हुई है लाहौर से, तो ये जब जिस दिन हम लोग पीसी गए हैं हाईटी के लिए, उस दिन से शेख साहब का बड़ा, ये शेख साहब हैं तीनों ही शेख साहब, लेकिन ये वाले जो शेख साहब हैं ना, इनका भी बड़ा दिल कर रहा था हाईटी करने का, तो कही थी कि मुझे भी कहीं पे लेके जाओ। तो अब हमने डिसाइड किया है कि मामा को हम लेके जाते हैं जो इस्लामाबाद की बेस्ट हाईटी है। बताओ किधर है वो? याम्स। मतलब अभी हम स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन उधर जाके आपको दिखा भी देंगे खा क्या रहे हैं। तो क्या क्या हाल है शेख साहब? चले बात है, वो तो मजे मजे की चीजें। और सुंदर तुम भी कुछ बता दो, तुम आज बड़ा खामोश खामोश। तुम इसको मैंने कहा था थोड़ी सी एक्टिंग करे कि फोन यूज करने की, ये ऐसी ये फोन की एक्टिंग में ऐसी घुसी है कि निकलना ही मुश्किल हो गया। और ये सनम जा रही है अपने बेबी को लेने, तो हम भी चलते हैं साथ साथ बेबी को लेने, और लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। नूरे का सामान पैक करते, सुंदस मास्क रखिए, चलो मैं मामा को बुलाऊं ना साथ ले आता। और शेख साहब ने हाईटी करान ली, इस्लामाबाद के वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट में। मैं हूं शेख। और ये है मेरा व्लॉग। अभी हम पहुंच इधर गए हैं, तो गाड़ी मैंने पीछे वेले वाले को दे दिया, वेले वाले पार्क कर रहे हैं। तो सुंदर, हमारे खाने का टाइम जो है ना, वो टाइम है 5:15 से लेके 6:15 तक। सिर्फ एक घंटा। अभी 5 मिनट है, इसलिए वो अंदर जाके वेटिंग में वेट कर रहे हैं। और इधर जो हाईटी बफे होते हैं उसके दो स्लॉट्स होते हैं, एक 4:15 से 5:15 तक होता है और दूसरा 5:15 से 6:15 तक होता है। और ये इनके लिए अच्छा भी इस तरह है कि पहले लोग आते होंगे वो बैठे रहते होंगे, जाते ही नहीं होंगे दो दो घंटे, तो इन्होंने सीट्स खाली करने के लिए उनके लिए होता है। तो ये बाकी अभी हम आए यम रेस्टोरेंट पे, तो ये इसके अंदर जो है खाली एक यम रेस्टोरेंट नहीं है, जबकि तीन रेस्टोरेंट्स हैं। एक वो है क्या कहते हैं, एक यम इटसेल्फ है, एक चाशनी है, और एक इंग्लिश टी हाउस है। और ये वैसे जगह इस्लामाबाद F7 में है, इधर बाकी भी सारी इधर उधर रेस्टोरेंट्स ही बन गए हैं। तो सुंदर, मेरे ख्याल से 2-3 मिनट हो रह गए हैं, अब हम अंदर चलते हैं, कोई जगह ले लेते हैं अपनी, तो उसके बाद फिर साथ साथ खाने का तुम रिव्यू दोगी। हाँ। चले, मैं भी एक बड़े मज़े के प्रॉन्स होते हैं, आला करे वो भी आज इधर हों। समझ आ गई? 2 प्रेस करके सीधा रूफ टॉप पे, लेट्स गो। तो रश यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने सुंदर को कहा कि ये मेरे लिए प्लेट बना दे, के शॉर्ट भी कर ले हम साथ साथ। सुंदर, मेरे लिए प्रॉन्स डालो, और तब तक तो नहीं, 2-3 तो डालो साथ साथ, चेक करते हैं और क्या है खाने में। ड्रम स्टिक्स डाल दो मुझे, ड्रम स्टिक्स के साथ साथ भी काफ़ी चीज़ें हैं खाने में। नहीं, नूडल्स ही मुझे खाएँ, तो मुझे पिज़्ज़ा डाल दो, वो वहाँ पर पिज़्ज़ा। डिसाइड किया कि मैं, सुंदर, मामा और सनम जो हैं वो अलग-अलग चीज़ें खा के आपको रिव्यू दे देते हैं कैसा है। कि मैंने जो सबसे पहले लिए हैं, वो सबसे पहले इनके मज़े के जंबो प्रॉन्स है। ओए हो, सही मज़े के, सही क्रिस्पी, हाँ सही मज़े का है, सही गर्म, सही फ्रेश, और थोड़ा सा वो अंदर से स्पाइसी भी है और क्रंची तो बहुत ही ज़्यादा है। अच्छा, और जगह ये है थोड़ी आउटडोर, इस वजह से हर जगह पे पंखे वगैरह चल रहे हैं, तो शोर बहुत ज़्यादा है, माइक है लेकिन फिर भी आवाज़ बहुत कम आ रही है। अच्छा, मेरे साथ पास खाने में 7 पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा भी बहुत फ्रेश और बहुत ही मज़े का, और पिज़्ज़ा हट से अच्छा पिज़्ज़ा। तुम भी अपना दोस्त मार के, मैं चौमिन और विंग्स हैं और मंचूरियन है। बहुत मज़े किया, मेरी फेवरेट इनकी नूडल्स और इनका मंचूरियन।
सनम तुम तो लग रहे हो वैसे शादी का खाना भर के ले आई हो। सनम ने प्रॉन्स हर चीज़ बीफ चिली हर चीज़ साथ ही भर के रख दी। कह रही है एक ही दफ़ा उठती हूँ एक ही दफ़ा लेती हूँ, आवाज़ थोड़ी वो हो रही होगी इस वजह से मैं बता रहा हूँ। और ये सबसे अच्छी बात यह है कि मिंट मार्गरीटा अनलिमिटेड है। शेख साहब बस वो तो होगी कि और नहीं खाना जाएं लेके आए, बस आपका रिव्यू रह गया। मैं राम से साइड पे आकर बैठ गया हूँ, मैंने कहा राम से खाता हूँ, अपने आप को खुद ही शूट करता हूँ तो बार बार किसी को कहना नहीं पड़ता। अब मैं खाने में ले आया हूँ चिकन चिली ड्राई, उसके अलावा विंग्स है, कोई फिश का है और साथ वही जो शुरू में प्रॉन्स लेके आया था। सुंदर मैडम के ऑफिस से फ़ोन आ गया और ये मज़े की बाइट लेके देखते हैं चिकन चिली ड्राई। ओह सही मज़ेदार, और अंदर एक अदरक का भी बड़ा अच्छा टेस्ट आ रहा है और साथ साथ चिली का बड़े मज़े का। ओह और फिश भी बड़े मज़े की लग रही है, इनकी फुल मज़े का फुल चंक है फिश का, और पता नहीं कोई मेरे ख्याल से हनी सॉस है कोई। बड़े मज़े का यार, ये फूड व्लॉगिंग की तरफ लोग करते हैं बड़ा मुश्किल काम है। मैं जब रेस्टोरेंट में रश हो इतने लोग सारे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि बंदा कर क्या रहा है, यहाँ तक कि अपने घर वाले भी इधर देख ही रहे हैं कि क्या कह रहा है। मैडम को बड़ी मसरूफियात वाली कॉल आ रही है। चले अब मैं खाना खा लूँ, उसके बाद मैं आपको डिज़र्ट वाली तरफ लेके जाता हूँ। पेट मेरा भर गया लेकिन हाबड़ा नहीं ख़त्म होना। इस्लामाबाद में जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उनमें सबसे अच्छी बात ये व्यू होता है हर तरफ से जब रूफ टॉप पे होता है, और टाइम तकरीबन 6:15 होने लगे हैं, 6:10 हो गए हैं, और बस जल्दी से आप डिज़र्ट ले लेते हैं। सनम क्या ले रही हो? गेट सम गुलाब जामुन एज वेल। तब तक मैं आपको डिज़र्ट्स भी दिखा देता हूँ। ये पता नहीं ब्रेड पुडिंग है, ये ट्रेस लीचे केक है, ये चॉकलेट केक, चॉकलेट ब्राउनी, और ये सनम ने ले लिया। चलो टेबल पे टाइम ख़त्म हो रहा है ऑलमोस्ट। सुंदर खा रही है चॉकलेट मूस शरीफाना तरीके से, और मैंने ली है चॉकलेट मूस, चॉकलेट केक, चॉकलेट ब्राउनी और ट्रेस लीचे, और सनम ने भी मेरी तरह इसी तरह सबूत है कि ये मेरी बहन है। उफ यार ऐसा इतने अरसे बाद इतना ज़्यादा फुल पेट भर के खाया है ना, और आज तो सुंदर ने भी भर के खाया। उस दिन की तरह नहीं कि फैमिली वाले कोई देख रहे हो तो उस वक्त सुंदर ने कुछ छोड़ा, सुंदर ने भी तना तन लगेगा नहीं, लेकिन इसने 3 प्लेट्स और एक डिज़र्ट की प्लेट भी बाद में खाई। अब सुंदर तुम ये यम रेस्टोरेंट का एक सही रिव्यू दे दो कि इज़ इट वर्थ। मुझे तो बहुत पसंद है। सही बात है, यम एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसमें मतलब अगर इनकी 10-15 डिशेस भी होती है ना तो उन 10-15 की टेस्ट सारों का एक से एक बढ़ के होता है। मतलब अगर आप इनके इधर आके मेरे ख्याल से 6-7 अगर आप इनके प्रॉन्स ही खा लेना तो उसी में आपके जंबो प्रॉन्स में आपके पर हेड के पैसे पूरे हो जाते हैं। पर हेड कितना होगा? पर हेड है तकरीबन 1300 रुपये। 1300 रुपये पर हेड में अगर आपको जंबो प्रॉन्स अनलिमिटेड मिल जाए तो मेरे ख्याल से क्या ही बात है, और अनलिमिटेड मिंट मार्गरीटास भी साथ। तो बस अब गाड़ी, हाँ गाड़ी पीछे हमारी आ गई है और अब हमने जाना है सफ़ा मॉल। खाला जो लाहौर से आई हुई है व्लॉग में नहीं आती, उन्होंने थोड़ी सी चीज़ें लेनी है वो लेंगी। सुंदर अंदर से बुला लो ना उन्हें के चलें चलें गाड़ी में लगवाऊँ और फिर चलें। जाना तो अभी हमने मॉल था शॉपिंग के लिए, लेकिन ये बेबी बड़ी तंग हो रही थी तो हमने कहा कि घर ही चलते हैं। ये जिधर आपको झंडे नज़र आ रहे हैं इधर हर मतलब आधे किलोमीटर के बाद झंडे बिक रहे हैं, क्योंकि परसों है 14 अगस्त और इधर हर जगह पे बिक रहे हैं। और ये सारा जो है ऑफिस का रश आवर है जो पूरे फैज़ाबाद से आगे जाता है DHA तक। अच्छा ये उससे थोड़ा सा आगे आके यहाँ भी झंडे बिक रहे हैं, यहाँ भी झंडे बिक रहे हैं, राइट साइड पे भी झंडे बिक रहे हैं। फैज़ाबाद पहुँच गए और यहाँ पे इन्होंने पाकिस्तान और साथ आज़ाद कश्मीर के झंडे लगाए हुए हैं कि हमने जैसे कश्मीर आज़ाद करवा लिया। बस
सभी घर पहुंच गए, सारे अपने अपने रूम्स में घुस गए हैं, सारे रेस्ट कर रहे हैं। तो इधर और रात को मेरे ब्रदर इन लॉ ने भी खाने पे आना है, तो यहाँ पे खाने का सेटअप वगैरह होगा और तब तक मैं ऑफिस का थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, साथ डाइट कोक पी लेते हैं। और मामा जिस वक्त आती हैं तो मामा से भी रिव्यू ले लेते हैं कि उन्हें मज़ा भी आया या नहीं। शेख साहब, उन तानू कोई कंप्लेन तो नहीं है कि तानू आईटी नहीं कराई ऐसी? फाइनली हैप्पी? अच्छा मामा, अब खा पी तो लिया है। और सुंदर सीन ये हुआ है कि वो मेरी फिलिंग जो अभी करवाई थी ना, वो मुझे लग रहा है खाते खाते बीच में थोड़ी सी निकल गई है। तो तुम बार-बार उसको छेड़ते जो, इस वजह से डॉक्टर पे भी आओ ना कल जाके। वो मैं पैनल पे हूँ, उन्होंने तो कहना मजाक ही बना लिया, कल तो ओके हूँ, कल डलवा के निकल गए तो कुछ हो नहीं सकता। कराना तो है, दर्द होगी वरना कुछ करना तो पड़ेगा इसका, ये जो दांत की फिलिंग निकल आई है। तो चलें आप देखते हैं इसको कुछ करते हैं। और सख्त आज गर्मी है, इधर पंखे शंखे भी बंद किए हुए हैं। तो इस नोट पे आज का व्लॉग हम कर देते हैं एंड दांत का भी कुछ सोचते हैं, अगले व्लॉग में आपको दांत का बताएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कर दें लाइक शेयर और सब्सक्राइब। ये वाला सब्सक्राइब कर दें, ये वाला कर दें।